इन्हीं सब चीज़ों को मैंने ट्राई किया एंड देन माई बेबी स्टार्टेड टू ईट। अगर बच्चा उसको पुश करना शुरू करता है, पेरेंट्स हमेशा यही बोलते हैं मेरा बच्चा खा नहीं रहा, मेरा बच्चा खाता है तो वो मुंह में से थूक देता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली फॉर द मॉम्स, न्यूली मॉम्स जिनको अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चों के टीथिंग थोड़ी सी हो गई है, दांत निकल आए हैं और उनको अब डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से हटाना है जिससे कि वो वीनिंग स्टार्ट कर सके और या पार्शली वीनिंग हो और पार्शली नर्सिंग हो। सो किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करना है आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। सो देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यूजुअली बोला जाता है कि एक साल तक के बच्चे को हम माँ का दूध पिला सकते हैं, बट डॉक्टर्स ये भी कहते हैं साथ साथ में कि 6 महीने के बाद में बच्चे को पानी, हल्का सा लिक्विड्स और सेमी सॉलिड फूड जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चा कम्प्लीटली माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट होगा या डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग लेगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो वीनिंग स्टार्ट करे। हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ों का, कुछ इंडिकेशंस देखने के बच्चा हमारा सेल्फ खुद वीनिंग स्टार्ट करना चाहता है, तब तो आप ब्रेस्ट फीड को रोक सकते हैं। सो पॉइंट नंबर वन इज़ Recognize when your baby wants to start weaning। यानी कि अगर आप बेबी के सामने बैठे हुए हैं और उसको फीड करा रहे हैं, अपनी गोदी में फीड करा रहे हैं या किसी भी पोजिशन में बैठकर आप उसको डायरेक्टली फीड करा रहे हैं, अगर बच्चा उसको पुश करना शुरू करता है, हेड को स्ट्रेट करता है या फिर वो बैठना शुरू कर देता है और थोड़ा सा रिजेक्ट करना शुरू कर देता है आपके ब्रेस्ट को और ब्रेस्ट मिल्क को, तो यानी कि वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड है वीनिंग के लिए। आप उसको फ्रीली वीनिंग शुरू कर सकते हैं, सेमी सॉलिड फूड्स दे सकते हैं, जो भी ऊपर का खाना है वो आप उसको धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, सेट ए स्केड्यूल फॉर वीनिंग। यानी कि प्रॉपर एक बेबी का डाइट प्लान बनाइए, स्पेशली डाइट प्लान ही मैं बोलती हूँ, टाइम टेबल बनाइए जहाँ पर आपको बेबी को कब वीनिंग स्टार्ट करनी है, कितने से कितने बजे तक आपको उसको कुछ चीज़ें खिलानी है, ब्रेकफास्ट कब लेना है, लंच कब लेना है, डिनर कब लेना है, इस तरीके का उसका टाइम स्केड्यूल बनाइए। फिर उसके बाद में बीच बीच का जब इंटरवल होता है और बेबी भूखा होता है तब या तो आप उसको फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर पंपिंग के थ्रू जो एक्सप्रेस मिल्क होता है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद ब्रेस्ट फीड कराना है देन यू कैन डायरेक्टली लैच द बेबी। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप शुरू से ही वीनिंग के जो टाइमिंग्स हैं स्केड्यूल अगर नहीं बनाएंगे तो बेबी बहुत फंसी हो जाएगा, खाने के लिए उसको खाने में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसको खिलाने के लिए, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि बेबीज़ को खिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड पेरेंट्स हमेशा यही बोलते हैं मेरा बच्चा खा नहीं रहा, मेरा बच्चा खाता है तो वो मुँह में से थूक देता है। उसके सामने बैठ कर आप खाना खाइए, एक डाइनिंग टेबल पर एक रूटीन बनाइए कि हमेशा डाइनिंग टेबल पर ही बेबी को बिठाकर खिलाएं, जिससे कि आराम से वो लोगों को देखेगा खाते हुए तो वो खुद भी उसमें एक अर्ज होगी खाने की। इसी तरीके से बेबी के अंदर जो दूध छोड़ने की और साथ साथ में खाने को इनटेक करने की जो सेंस है वो डेवलप होगी। पॉइंट नंबर थ्री, स्टार्ट आउट स्लोली। अगर आप धीरे 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 ब्रेस्ट फीड बेबी का छुड़वाते हैं और हल्के हल्के धीरे धीरे तरीके से वीनिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये जो रूटीन जब सेट होगा और हैबिट सेट होगी वो बेबी के लिए भी अच्छा है और साथ साथ में उसको इमोशनल ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा और साथ साथ में आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब धीरे धीरे वीनिंग शुरू होगी और फिर ब्रेस्ट फीडिंग एक शॉर्ट इंटरवल्स पर होगा तो एक तो बेबी फुलर फील करेगा, साथ साथ में उसको बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहर का जो खाना है, सॉलिड फूड्स वगैरह है वो भी लेना शुरू कर देगा। उससे उसके सेंसेस डेवलप होंगे कि मुझे अब ये चीज़ खानी है, ये टेस्ट उसको पता चलेगा, डिफरेंट उसको टेस्ट पता चलेंगे एंड उसका एक टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। अगर आप बेबी को दिन में 7 से 8 बार ब्रेस्ट फीड कराते थे तो उसको आप रिड्यूस कर दीजिए 4 से 5 बार में, और उस बीच में आप 3 मील्स बेबी को दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और बीच बीच में जब बेबी डिमांड करता है ब्रेस्ट फीड तो आप तब उसको दे सकते हैं। इस तरीके से स्लोली उसकी आदत जो है वो छूटेगी। पॉइंट नंबर 4, स्विचिंग अप योर फीडिंग रूटीन।
यानी कि अगर आप बेबी को एक जगह पर कोजी जगह पर बेडरूम के अंदर दूध पिलाते हैं अपना डायरेक्टली लैच कराते हैं, तो उसकी आदत छुड़वाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा उसको शिफ्ट करिए, इन केस इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो किसी घर में और जगह पर उसको फीडिंग करा दी। अगर आप पोजीशंस उसकी बार बार चेंज करते जाइए, तो उसकी जब पोजीशन चेंज होगी, हैंडलिंग चेंज होगा, वे ऑफ हैंडलिंग, जिस तरीके से आप बेबी को होल्ड करते हैं, तो उसके दिमाग में सेंसेस जाएंगे कि ठीक है, ही विल स्टार्ट रिजेक्टिंग इट बेसिकली। उसको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है डायरेक्टली उसको थोड़े टाइम बाद में रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। पंप करके वो जो एक्सप्रेस मिल्क है वो कोई और पिला दे एंड आप वहाँ से सामने से हट जाइए। अगर आपको खुद से पिलाना है देन फिर उसके बाद में आपको पोजीशंस, जगह, एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें स्लोली चेंज करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस व्हेन यू वांट टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत आसान नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग को कम्प्लीटली स्टॉप करना, क्योंकि बच्चों को जब से वो बॉर्न होते हैं और 6 महीने तक कम्प्लीटली माँ के दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, लैचिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर मदर्स जो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके करती हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज उनको वो बॉटल फीड करती हैं, एक रेजिस्टेंस बच्चे की बिल्ड होगी कि वो आपको ही चाहेगा, आपसे ही डायरेक्टली लैच करेगा, उसको बॉटल नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। बट हमें पेशेंट रहना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसकी आदतें चेंज करनी है। पॉइंट नंबर 6, लर्न हाउ टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चे के साथ साथ में आपको अपना भी, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। सो जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होने लगती है। इससे क्या होता है, आपकी ब्रेस्ट जो है वो कम्प्लीटली फुल हो जाएगी, मिल्क जो है वो ऊज आउट होगा, लीकिंग शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए आप या तो ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली, वही मैं बार बार हर पॉइंट में बोल रही हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इमिडिएटली स्टॉप नहीं करनी है, धीरे धीरे स्टॉप करनी है, जिससे कि आपकी जो बॉडी का जो रिदम बना है, जो ब्रेन के पास में स्टिमुलस जाता है कि ठीक है, हर इतने इंटरवल के बाद में पंपिंग होती थी या फिर बेबी डायरेक्टली लैच करता था, तो जब पैटर्न चेंज होगा तो ब्रेन के अंदर जो हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं वो भी धीरे धीरे अपना जो एक रिदम है वो चेंज करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली बॉडी फिर आपकी उसी तरीके से उस रूटीन, नए रूटीन के हिसाब से अडेप्ट करना शुरू कर देगी कि ठीक है। पॉइंट नंबर 7, पार्शल स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि अगेन जो मैं हर पॉइंट में बार बार बोलती जा रही हूँ कि धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करें, इमिडिएटली स्टॉप ना करें, एक्सप्रेस करके अपने मिल्क को रख दें, जिससे कि आपके पीछे पेरेंट्स होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, बेबी सिटर होती है, कोई भी घर का और मेंबर उसको बेबी को फीड करा सके ब्रेस्ट मिल्क। तो इस तरीके से मिक्स मैच तरीके से आप अपनी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो थोड़ी सी रिलेटिवली कम कर सकते हैं एंड पार्शियल फीडिंग कर सकते हैं बेसिकली, कि थोड़ा सा डायरेक्टली लैच करा दिया, एक्सप्रेस करके करा दिया, थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क के थ्रू आपने मिल्क दे दिया, तो इससे बेबी भी धीरे धीरे प्रिपेयर होगा, बेबी की बॉडी अडाप्ट करती चली जाएगी और साथ साथ में आपको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं एंड ये मेरे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, क्योंकि मैंने बेबी को धीरे धीरे वीनिंग शुरू कराई थी अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मंथ्स पे। पहले मैंने उसको पानी पिलाना शुरू करा था, थोड़े से हल्के से फ्रूट जूसेस से शुरू किया था, देन उसके बाद में मैंने 6.5 to 7 मंथ्स के आसपास में उसको स्लाइटली धीरे धीरे वीनिंग करानी शुरू करी थी। मुझे भी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हुआ, देन फिर उसके बाद मैं रियलाइज़ कि इस तरीके से वर्क नहीं होगा, तो मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको कम करना पड़ेगा, इधर कभी फॉर्मूला मिल्क दे के, कभी ब्रेस्ट पंप से एक्सप्रेस मिल्क दे के, कभी डायरेक्टली लैच करा के। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने ट्राई किया एंड देन माय बेबी स्टार्टेड टू ईट द फूड प्रॉपरली, वो अभी प्रॉपरली ईट करता है सेल्फ। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं और कुछ आप मेरे साथ में बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, साथ साथ में मुझे ये भी पता पड़ता रहेगा कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.